शहजादो अभी आपके भाई के साथ हो गया एक छोटा सा प्रैंक, उसके बाद का दिमाग घूम गया है। बस क्या बताऊं क्या ना बताऊं, बहुत ही झूठा बंदा है, इसके साथ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ओए ऐसी बात ना, ठीक है बस खत्म हो जाएगी। तू झूठा बंदा है, तू मान, तू मान इस बात को, तू झूठा है। मुजम्मिल तुमने ईद की शॉपिंग की है भाई? क्यों, कोई रिहा ही नहीं, क्या दुख है? ये देख दाढ़ी देख ले, जिंदगी के दुख नहीं खत्म होते। अच्छा चलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खरीत से होंगे, मजे में होंगे। शहजादो अभी आपके भाई के साथ हो गया एक छोटा सा प्रैंक, उसके बाद का दिमाग घूम गया है। बस क्या बताऊं क्या ना बताऊं। खैर मैं बताता हूं आप सबको मेरे साथ प्रैंक क्या हुआ है। उससे पहले आपके भाई के बड़े काम है, दाढ़ी बनवानी है। सोच रहा हूँ अभी जाऊँ के अफ्तारी के बाद जाऊँ, क्योंकि इस टाइम लगा है रोज़ा, और कहीं जो है हमारे कटिंग वाले भाई को भी रोज़ा ना लगा हो, कहीं पता लगे दाढ़ी सारी ख़राब हो जाए, फिर ईद में जो है ना मुशमुन्ना बांध के मैं घूम रहा हूँ। बात तो सही है। तो भाई उसके बाद सीन कुछ इस तरह के आगे है, मियाँ मिट्ठू ने इतना के शोर मचाया हुआ है, दिमाग खा गया ये भी। इसके लिए मैं इसका बंदा लाता हूँ, इसका शोर बांध के लाता हूँ। हमारी पारो बच्चे भी नहीं दे रही, कोई बच्चे शच्चे दे, अच्छा सा व्लॉग बनाए। अभी तक हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। हाँ हाँ करो करो, ऐसे ही ऐसे ही ऐसी की तैसी। मैंने आप सबको बोला मेरा व्लॉग देखते हो आगे पांच बंदों को शेयर किया करो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? जितना मैं कहता हूँ उतना मेरे व्यूज कम हो जाते हैं, ये क्या बात हुई है? छोड़ो तुम लोग मेरे साथ सही नहीं चलते हो, ये बड़ा जो है ना तुम मेरे साथ पार्ट लगाते हो, फिल्में करते हो मेरे साथ। मैं आवाम के साथ, लोगों के साथ फिल्में करता हूँ, अपने दोस्तों यारों के साथ फिल्में करके उनसे मैं जो है ना दबते लेता हूँ, तुम लोग मेरे साथ फिल्में करते हो, बहुत गलत है, बहुत गलत। मुझे पता है आपका भाई इस टाइम बहुत प्यारा लग रहा है, धूप जो है पड़ रही है तो जो है ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तारीफ नहीं करनी, तारीफ नहीं करनी। थैंक्स, लव यू। नहीं अभी चलते हैं बाहर, दो तीन चीजें लेकर आनी है घर की, बस सारी दिन की ऐसे ही निकल जाएगी। वो चीजें लाई, ये चीजें लाई, बस कोई ऐसा नहीं है कि कॉल करे जान जी आपके लिए कपड़े लिए। ओए ओए ना, कोई हमारे पास ऐसा है जो बोले इस ईद पे मैचिंग पहनेंगे? ओए हमारे दोस्त भी दुखिया दिल टूटे हुए, उन्होंने भी ईद की शॉपिंग नहीं की। मैंने कहा क्यों नहीं की? ओ यार पता ही नहीं लगा यार, रमजान गुजर गया है, ईद आने वाली है। मैंने कहा दूर लालत है यार, तुम लोग तो लेते भाई, तो तुम्हारे बहाने मैं भी कुछ लिया था। तो बस अब यार छोड़ो चलते हैं बाहर, फैजी किंग भी आया है, दो तीन चीज़ें लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं शायद थोड़ा सा आगे पीछे जाएं, मैंने एक दो वीडियोस बनानी थी, अगर टाइम हुआ तो जाते हैं, नहीं तो फिर जो है ना अफ्तारी के बाद कुछ सीन किया जाएगा। अपने दुख में मैं आप सबसे पूछने ही भूल गए कि आप सब ने ईद की शॉपिंग की है कि नहीं की। अभी आए फैजी किंग, उससे पूछते हैं उसने की है कि नहीं की। ये सारे बड़े तेज हैं, सब ने ईद की शॉपिंग की होगी। ये चीज़ें ली हैं अभी, ये फैजी किंग आ गया, ये हमारे दूध वाले भाई। दूध वाले भाई कैसे हो? आपको बहुत मिस किया हमने, किधर गायब थे? कमे ना टाइम है ना जी, कमे ना जी। भाई क्या हुआ है? बहुत सारे आए हैं, क्लिप नहीं लगाना था। चलो अच्छा एक बात सुनो ना, अफ्तारी करा दो, वो व्लॉग डिलीट कर दूंगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। बाकी बात है ईद के बाद है कि जी, ईद के बाद होगी जी अफ्तारी। अच्छा जी, तो फैजी किंग से पूछते हैं, फैजी किंग तुमने ईद की शॉपिंग की? झूठ बोलते हैं, पक्की बात है? अरे चलो जा काम कर अपना तू। नहीं की कार जी, उस्ताद जी आफ्टर अफ्तारी मिलते हैं जी। हमारा शाहरुख खान भाई जा रहा था कटिंग वाला, क्या चांदराज को भाई जा, उसने मिट्टी राज होती है। अच्छा आप किधर जा रहे हैं? आप तुमने ईद की शॉपिंग नहीं की? झूठ बोलते हो। चलो ईद पे फिर नए कपड़े पहने हुए मैं फाटूंगा। ओके चलो, मैं आ गया हूँ जी घर, पता ही नहीं लगा अफ्तारी का टाइम हो गया, भाग भाग के मैं आया हूँ घर। तो अब अफ्तारी कर लूँ जरा, मैं मछमत आएगी फिर आप सबको बताऊंगा मेरे साथ क्या प्रैंक हुआ है। अब क्या करूँगा मैं, अभी की है जी अफ्तारी। तो अभी आपका भाई आप सबको बताता है कि आपके भाई के साथ क्या प्रैंक हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं जी समझ रहा था मेरा एक सूट तैयार है ईद के लिए, तो एक सूट पड़ा है ऐसे ही ना, तो नए नहीं लिए, मतलब पहले लिए थे तो उनको मैंने जो है ना स्टिच नहीं करवाया था। तो मैंने कहा जी एक मैंने बनवा लिया था और एक ऐसे ही पड़ा है। और जब मैंने भाइयों जाके देखा तो वो दोनों
ऐसे के ऐसे ही पड़े, उनमें से एक भी मैंने स्ट्रेच नहीं करवाया था। मैं जी दस्ती उनको जी डालता हूँ जी शॉपर में, और चला गया अपने दोस्त के पास, वो टेलर है। मैंने कहा जी सिलाई कार के दो। कहता है शाह जी बहुत मुश्किल है, 3 से 4 दिन रह गए हैं पीछे, तो बहुत सारा काम है। मैंने उसकी बड़ी मिन्नत की, लालच दी, मैंने कहा पैसे थोड़े ज़्यादा ले ले जानू कर दो। कहता है शाह जी बहुत मुश्किल है। फिर अब मैं ले के आ गया वापस, ये हो गया आपके भाई के साथ प्रैंक, अब क्या करेंगे? कोई नहीं, पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे भाइयों, ये तो बड़ा बैड सीन हो गया है। अम्मी से जो मैं बेइज्जत हुआ हूँ, अम्मी कहती हैं और फोन में घुसेरा करो। मैं कहता हूँ अम्मी क्या बताऊँ, बस मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं आपके बेटे ने, जो कभी नहीं हो पाएगा। गजब बेइज्जती है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जाके दाढ़ी बनवा लूँ, कुछ अपनी हालत दुरुस्त करूँ, कि इससे पहले कि मैं अबू से भी बेइज्जत हूँ, ठीक है। उसके बाद जाना है यार पिंडी, कन्फर्म नहीं है कि अभी जाएंगे या कल जाएंगे, क्योंकि हमारे जो चौधरी साहब हैं, चौधरी अहमद, वो जा रहे हैं दुबई, तो उसकी कल की फ्लाइट है सुबह की 10:30 बजे। तो अब सोच रहे हैं कि अभी जाएं या फिर जो है ना सुबह एयरपोर्ट जाएं। तो बस अब कुछ खिचड़ी शिचड़ी चल रही है दिमाग में, बाकियों की भी दिमाग में चल रही है। तो अगर अभी गए तो आप सबको बता देंगे, ना गए तो फिर सुबह जब कुछ सीन बन गया, मैं तो मुश्किल लग रहा है मुझे, क्या पता ना जा सके, चौधरी साहब से माजत करनी पड़े। अगर कुछ सीन बन गया तो फिर इंशाल्लाह जो है ना सुबह जब जाएंगे तो फिर उधर का भी व्लॉग बनाएंगे। फिलहाल देखते हैं, हिम्मत करते हैं, सुस्ती है, जाते हैं दाढ़ी बनवाते हैं यार। बाकी टेंशन शेंशन नहीं लेनी, आपका भाई कुछ ना कुछ सोच लेगा, कहीं ना कहीं से सूट निकाल के ले ही आऊँगा। हाँ नए कपड़े पहने हैं भाई, नए कपड़े ना पहने तो शरीक समझेंगे साला पुराने कपड़ों में घूम रहे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं चलता हूँ जी अब डेरे पे, ये आ गया फैजी किंग। भाई कौन कौन है डेरे पे? अलग और लंबा, लंबे की शामत है आज, समझ लगी है। रोज मैंने सोचा दाढ़ी बनवा लूँ, पर अभी फायदा नहीं है, अहमद की कॉल आई है, ठीक है जाके मैं इन सब से पूछूँ कि यार अगर अभी जाते हो तो चलो फिर कुछ सीन करें जाने का, नहीं तो फिर मुझे बताओ, उसको कुछ बताएं कि आ जाएंगे कल आएंगे। अरे भाई ऊपर क्या जा रहा है, वो स्टार गया स्टार। मैं आ गया हूँ जी ये डेरे पे। तो ये खान है, बहुत ही झूठा बंदा है, इसके साथ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ऐसी बात ना, ठीक है बस खत्म हो जाएगी। तू झूठा बंदा है, तू मान इस बात को, तू झूठा है। मैं नहीं हूँ झूठा भाई, सोच ले, मैं सबूत दूंगा, सबूत के सारे बोलेंगे भाई मैं झूठा हूँ, तो सब पे यकीन करो। ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं पूरी पब्लिक को भी सबूत दूंगा तू झूठा है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं झूठा नहीं हूँ, मैंने तुम लोगों को यही बताया कि भाई बात छोड़ दे, रहने दे, रहने दे, रहने दे। तुम लोगों को यही बताया कि भाई मैं घर हूँ, ठीक है, और मैं असल में इफ्तारी की बात जाता हूँ स्नूकर पे, अच्छा ठीक है, ये तुम लोगों को पता है इस बात। अच्छा मुझे ऊपर तलाशा भी मिला है, कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, नीचे फैजी मिला है। अब बताओ मैं कैसे झूठ बोलूं कि भाई मैं घर हूं, कि मैं स्नूकर गया नहीं। बात ये झूठा बंदा है, इसके साथ जो है ना मेरी सीरियस में हो जाएगी, मैं हर दफा इसका साथ देता हूँ, पर ये इसके साथ अभी भाईयों सीन बड़ा खराब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। यार किस चीज का खराब? आप लोग इस दफे इसका साथ ना देना, ठीक है, आप सबको भी मैं प्रूफ दूंगा, आपके भाई के साथ ये झूठ बोलता है। जमील भाई आगे क्यों लड़ रहे थे आप? मतलब कि ये बहुत गार लेके जा रहा है। मुजम्मिल तुमने ईद की शॉपिंग की है भाई? क्यों? कोई रियाय नहीं। क्या दुख है? ये देख दाढ़ी देख ले, जिंदगी का दुख नहीं खत्म होता। अच्छा चलो खैर होगी। मलिक जी आप किधर चले गए? मलिक जी आपने ईद के कपड़े लिए? क्यों जी? ऐसे ही नहीं लिए। क्या दुख है? कोई दुख नहीं है, वो सबसे हंसता खेलता 3 जोड़े जिसने लिए। तलाशा भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आगे कोपचे में भाग गए भाई, इसको पकड़ते हैं। ए जी भाईजान, भाईजान ईद के कपड़े लिए? सीरियस बताओ ना। है नहीं नहीं, कौन से कलर में लिए? कलर वो आपकी भाभी ने कहा था। मजा आया। ओए 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 भाभी ने कहा था जी पिंक कलर का कुर्ता लेना, लाइटों वाला, लाइटों जफरी डोन जा रहा। भाभी ने कहा था पिंक कलर का कुर्ता लेना। ए हमारी भाभी ने तला को बोला मदनी। क्या बात है जी। शाजी ये बालों को क्या किया? बालों को क्या किया शाजी? अच्छा भाइयों खान के साथ खत्म, झूठ बोलते है। मम्मी साहब तुम्हारा मोटरसाइकिल अंदर खड़ा है, बाहर नवाब बन के तू खड़ा हो गया, ये बार बार क्यों दिखा रहा है तू? मुझे पता है तू आज 2.5 लीटर की बोतल को मुंह लगा रहा है। मम्मी पैदल आया। चलो शाहजी सुबह की सैरी आपकी तरफ से हैं? सुबह जो चौधरी अहमद की तरफ जाना है वो सैरी आपकी तरफ से?
यार इतने शेख कब से बानी हो, जैसे यूनिवर्सिटी गए हो बड़े शोधे हो गए, क्या चक्कर है? ओहो किस पे लगाते हो वहाँ पे? दोस्तों पे। कौन से दोस्त? अच्छे दोस्त। अच्छा ओके जी शाह जी। चार तुम्हारी भाभी हैं। अच्छा चारों ने मम्मी की लेके दिया। मम्मी मम्मी की चार मतलब होने वाली हैं जो वो गर्लफ्रेंड। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है। जी 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 आंखें देखो नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। चलते हैं जी अभी वैसे ही मलक मलक घर तक। मलक को याद आया था मलक ही क्या बोलो बोलो। एक मिनट मैं तेरा क्लिप बना रहा हूँ यार ब्रो, तुम बोलो। नहीं वो मलक तुम बोलो, हम क्या कर रहे हैं? मलक जी कुछ कर रहे हैं। मलक जी ऐसी की तैसी। दरअसल हमने ना ये लोगों के साथ रह रहे लोकल पुणे की ना जो है ना आदत लाती है, अभी जा रहे हैं मलक को उतारने के लिए। ठीक है मलक उतारने के बाद भाइयों सीधा हम जाएंगे अपने घर। ओके मलक जी हम आते हैं थोड़ी देर में। तुझे क्या आज कीड़ा काटा हुए भाई? अभी जाते हैं थोड़ी देर में, पहले घर जाएं जरा, तो थोड़ा सा रेस्ट करके घंटे दो तक निकलेंगे चौधरी की तरफ, तो जो है ना फिर देखते हैं व्लॉग बनाया जाए वहाँ का कि नहीं। इधर का व्लॉग हम करते हैं आज एंड उम्मीद है आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट करके लाजमी बताना कि व्लॉग कैसा था। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, उधर भी फॉलो कर लो। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।